अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जैसे ही कोई नया ड्रामा शुरू होता है तो उसके बारे में पेशगोइयां शुरू हो जाती हैं कि ड्रामे की रेटिंग कितनी होगी और ये कितना सुपरहिट होगा। इसकी मकबूलियत का अंदाजा इस बात से लगाया जाता है कि इसको कितने लोग देख रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम आपके लिए 10 मेगाहिट नए ड्रामे लेकर आए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, बहरूप। नए ड्रामे बहरूप में असद सिद्दीकी तैमूर का रोल निभा रहे हैं। जियो टीवी चैनल से ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम बहरूप है। पहले भी जियो के ड्रामे आए हैं। बहरूप ड्रामा की कहानी कुछ अजीब सी है। किंजा अपने देवर से बहुत मोहब्बत करती है कि माँ के मरने के बाद उसी ने तैमूर को संभाला। जब तैमूर अपनी मोहब्बत काला की बेटी से शादी करता है तो घर बिजनेस सब ज्वाइंट अकाउंट की बात पर किंजा शादी नहीं होने देती। लड़की को 5 लाख देकर तैमूर पर इल्ज़ाम लगा कर शादी ख़त्म करवाई। तैमूर ने लड़की को पकड़ भी लिया लेकिन ये पता ही नहीं चला कि उसने ऐसा क्यों किया। और लड़की ने किंजा से 10 लाख रुपए अगली किस्त में घर में काम करने के लिए आई गरीब रिश्तेदार खाला को 8 लाख देकर फलक से निकाह करवा दिया। ड्रामे में तैमूर को इतना सीधा और फलक को रोता हुआ देखना सब जुन बर्दाश्त। और जब किंजा बोले वो ठीक तो मेरी समझ में नहीं आ रहा, अपने मियाँ सुहेल का कोई ख्याल नहीं, बस तैमूर तैमूर दिखाया क्या जा रहा है। नंबर 9, फर्क। ड्रामा सीरियल फर्क 2023 का सीरियल है। आइजल की वालिदा की वफात कम उम्र में हो गई थी। उसके वालिद कमाल उसे माँ और बाप दोनों बनकर पाल रहे हैं। कमाल एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है मगर ये बड़े बिजनेस होते क्या हैं कभी ड्रामों में ये नहीं दिखाया जाता। यही वजह है कि नाजिर भी ख्वाब में ही सब कुछ बन जाना चाहता है। खैर, कमाल के बिजनेस पार्टनर अपनी बहन फायजा की तलाक के बाद उसको कमाल हसन के साथ सोचने लगते हैं। फायजा भी कमाल और उसकी बेटी का दिल जीतने के लिए हर मुमकिन कोशिश करती है। ड्रामा अभी भी जियो एंटरटेनमेंट से हर पीर और मंगल की रात नशे किया जाता है। उसी कई मौजू के आयन मुताबिक धड़कन बनती है। कहानी तेजस्वी टूटने नहीं देती मगर मुस्कुराने की भी कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 8, एक थी लैला। एक थी लैला टिकटॉकर लड़की के रूप में मौशे की तस्वीर है। अंजुन लाहौर की टिकटॉकर लड़की की कहानी एक के बाद एक मर्द से धोखा खाती है। एक थी लैला ये ड्रामा वेब सीरीज के अंदाज में लिखा गया है। चेक साहब पे मुबनी ड्रामे की आखिरी किस्त 12 जनवरी को एक्सप्रेस टीवी से नशर हुई। कहानी एक टिकटॉकर लड़की की है और मंजरनामा अंदरून लाहौर का है। पहली 5 एक साथ पहली की तरह गुजरती है जिसमें लैला घर से गायब हो गई है और पुलिस उसकी तलाश में है। 5 एक साथ पंजाब पुलिस की तलाशी और काम में गुजरती है। एक के बाद एक शख्स शक में गिरफ्तार हो रहा है मगर लैला का सुराग नहीं मिल रहा। पंजाब पुलिस जिस तरह बदनाम है यहाँ उसके बरक्स इसलिए दिखाई दे रहा है कि पुलिस वाला खुद हीरो है, उसकी लैला खो गई है और वो उसकी तलाश में है। नंबर 7, तकदीर। ड्रामा सीरियल तकदीर एक लव ट्रायंगल रोमांटिक ड्रामा है। ये आपको अपने साथ जरूर बाइंड करेगा। इसमें अलीजे शाह ने मेन रोल प्ले किया है और ये ड्रामा एयर वाई पर नशर हो रहा है। ड्रामा जिंदगी की असल हकीकत को जाहिर करता है। इसमें इशू हाईलाइट किया गया है कि शादी के बाद बहू के साथ कैसा सलूक किया जाता है। ये रुमैसा यानी अलीजे शाह की जिंदगी के गिर्द घूमती है जो अपने खानदान की प्यारी और लाडली बेटी है। शादी के बाद उसे अपनी जिंदगी में बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। उसकी जिंदगी मुकम्मल तौर पर बदल जाती है और मसाइल खत्म होते नजर नहीं आते। वो असद यानी समी खान से शादी करती है जो अपने खानदान का बहुत ख्याल रखता है लेकिन उसे और उसकी फैमिली को कुछ नहीं समझता। उससे पता चलता है कि हमारे मुआशरे में लड़की को अपनी शादी बरकरार रखने के लिए किस तरह समझौता करना पड़ता है। तमाम कास्ट मेंबरान अपना किरदार गैर मामूली तौर पर अदा कर रहे हैं। नंबर 6, यूही। यूही ड्रामा हम टीवी पर नशर किया जा रहा है। ड्रामे की कहानी दाऊद और कनीज फातिमा यानी किम के किरदार के गिर्द घूमती है। कनीज फातिमा का किरदार समाज में औरत और जुल्फी का मर्द की समाजी बगावत के आलमबरदार बने हैं। मुकाल में बहुत जगह शायराना हो जाते हैं। जाहिर है जब जिंदगी पुरानी हवेलियों जैसी होगी तो यही होगा। नवीद और खुर्शीद की नाकाम मोहब्बत के बाद दाऊद और कनीज फातिमा की एक ताज़ा कजन मोहब्बत से खानदान को फिर से जोड़ने की कोशिश की जा रही है। ये खानदान नहीं समाज में बिखरे तमाद को भी बहाल करने की सही है। वो सवाल जो हर वक्त लड़की के जहन में किसी न किसी वक्त उठते हैं उनको अमेरिकन कजन के किरदार से नरमी से और मंतकी अंदाज से उठाया गया कि बगावत नहीं लग रहे, हक लग रहे हैं। कनीज फातिमा की अपनी कहानी तो वो खुद सबको बता देती है मगर उस घर की सब कहानियाँ भी उसके तवसत से बरान का शिकार होते हुए अपने इख्तिताम को पहुँचेंगी। नंबर 5, कुछ अनकही। कुछ अनकही रीसेंट लव स्टोरी है। आलिया एक मध्यवर्ग तबके की नौजवान औरत है जो अपने वालिदैन यानी आगा जान और शमो बेगम और अपनी दो बहनों समा और तानिया के साथ रहती है। आलिया मजबूत है और रियल इस्टेट में काम करती है और अपने घर की कमाई करने वाली है। आगा जान अपने घर पर जायदाद का मुकदमा लड़ रहे हैं जो उनके बकौल उनके वालिद मरहूम की वरासत के तौर पर उन्हें दिया गया था।
आगा जान के पास अपने वालिद की वफात से कबल ये घर तोहफे में दिए जाने का कोई तहरीरी सबूत नहीं, जिस पर उनके देगर बहन भाई इतराज़ करते हैं और अपने जायज़ हिस्से का मुतालबा करते हैं। उसके अखलाक उसे गैर कानूनी तौर पर इस मसले को हल करने की इजाज़त नहीं देते, हालांकि उसे मौका दिया गया था और उसके पास इतनी रकम भी नहीं है कि वो मुकम्मल तौर पर घर खरीद सके। उसे अपनी बेटियों की शादियां करवाने और इस अदालती केस को लड़ने और अपने बच्चों को उनके जायज़ हकूक दिलाने की कोशिश करते हुए बहुत ही आजमाइशों और मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, बख्तावर। ड्रामा सीरियल बख्तावर सोशल मीडिया पर बहस बना रहा। ये ड्रामा अपने ट्रेलर से बहुत मुनफरिद लगा था। इसका आगाज भी बहुत अच्छा था। शुरू में मुझे लगता था कि इसमें बस मर्दों को ही बुरा बनाकर पेश किया गया है, हालांकि हकीकत में सब मर्द बुरे नहीं होते, मगर बाद में उन्होंने अहद और मलिक दिलावर का किरदार डालकर हमारी इस अजम्पशन को गलत भी साबित किया कि ड्रामे में मर्दों का सिर्फ बुरा रुख ही नहीं दिखाया गया। फिर बख्तावर का बख्तू तक का सफर और उसमें आने वाले मुश्किल भी बहुत अच्छे तरीके से दिखाई गई। ड्रामे का एंड यू लग रहा है जैसे आवाम की राय को मद्देनजर रखकर किया गया हो, क्योंकि पिछले किस्त तक तो यही लग रहा था कि बख्तावर और मलिक दिलावर का ही सीन बनेगा आखिर में, लेकिन वो हद के साथ बन गया। सारी कौम यही चाहती थी। अच्छा क्या राइटर ने कि उसे एक लव स्टोरी जैसी एंडिंग नहीं दी। एक शिकायत के हुरिया दस्तगीर को नशे पर लगा दिया। इतनी पढ़ी लिखी और बाएतमाद लड़की एक मलिक दिलावर ना मिलने पर नशाई बन गई। शाबाश, उसका भाई तो दिखाया ही नहीं कि उसे क्या सजा हुई। खैर एक बात ये थी कि यमुना जैदी की एक्टिंग कमाल है। बहुत ही आला डायलॉग डिलीवरी, तासुरात, टाइमिंग, सब कुछ। इस ड्रामे के जरिए बहुत ही अच्छे पैगाम देने की कोशिश भी की गई है। बच्चियों की तालीम, कम उम्र में शादी, तेजाब फेंकने का जुर्म, सियासतदानों का असल रूप, औरतों की एनजीओ की हकीकत, वर्क प्लेस हरासमेंट, अच्छे बुरे मर्दों की पहचान, वीमेन एम्पावरमेंट और इस जैसे कई मौजूद को ड्रामे में पेश किया गया। ऐसे ड्रामे बनने चाहिए, क्या कहते हैं? नंबर 3, मुझे प्यार हुआ था। ड्रामा मुझे प्यार हुआ था ट्रेंडिंग सीरियल है। आम मिडिल क्लास की कहानी है जो मुल्क की अक्सरियत है। अच्छी बात यह है कि हर ड्रामे की अक्सर कहानियों की तरह महर यानी ड्रामे की हीरोइन पहलों के ख्वाब नहीं देख रही, लेकिन एक शहजादे का उस पर दिल आ जाता है। महर की शादी की बात उसके चचाजाद साथ से बचपन में तय हो चुकी है। दोनों कजन्स की केमिस्ट्री भी अच्छी है। साथ को महर से मोहब्बत भी हो चुकी है, मगर वो इजहार नहीं कर पाता। साथ की बहनों से बारहा समझाती है कि वो इजहार मोहब्बत कर दे वरना उसे पछताना पड़ सकता है, मगर वो अपना किथार सिर्फ अपनी डायरी के सफात पर करता दिखाई देता है। मुश्तरका खानदानी निज़ाम की खूबसूरत तस्वीर कशी की गई है, जिसमें एक दूसरे के खिलाफ साजिशें नहीं की जा रही, बल्कि जो बात दिल में है उसका साफ और महज़ब अल्फाज में दूसरे को बताया जा रहा है। एक दूसरे को उसकी बशरी कमजोरियों के साथ कबूल करना दिखाया गया है। रिश्तों की सबसे बड़ी मेराज यही होती है कि दूसरे को तब्दील करने की कोशिश ना की जाए, जो जैसा है उसे वैसे ही अपना लिया जाए। मोहब्बत भी इसी का नाम है। नंबर 2, नीम। होम टीवी पर एक नया ड्रामा शुरू हुआ है जिसका नाम है नीम। इसमें मावरा और अमीर गिलानी लीड रोल में हैं, जो कि इससे पहले सबात ड्रामे में एक साथ नजर आए थे। हम देखने से पहले ही गारंटी से कहते हैं कि इस ड्रामे की कहानी और डायरेक्शन सुपर से भी ऊपर है, लेकिन ये बात हम वाले क्यों नहीं समझ रहे? वो अपने ड्रामों को अंधेरे कुएं में क्यों धकेल रहे हैं? इस ड्रामे के राइटर काशिफ अनवर हैं, जिन्होंने सबात लिखा और ग्रीन टीवी पर जल्द नशर होने वाला नरोज भी उन्हीं का है, और डायरेक्टर भी नरोज और परिजाद और सबात के हैं, यानी ये एक मुकम्मल पैकेज है। इसके अलावा ड्रामे की शूटिंग बाहर के मुमालिक में भी हुई, लेकिन अफसोस कि इस ड्रामे की उस तरह की हाइप नहीं बन रही जिस तरह बननी चाहिए। नंबर 1, जोक सरकार। मशहूर मुसन्निफ आशिम नदीम के कलम से खुदार मोहब्बत, विसाल, इश्क ज़हे नसीब, रक्से बिस्मिल और परिजात जैसे शानदार ड्रामे तख्लीक हुए। इन ड्रामों के नाजरीन बखूबी जानते हैं कि आशिम नदीम कैसे इनफरादी किरदार तख्लीक करते हैं। पाकिस्तानी ड्रामा कुछ अर्से पहले ही इंसानियत का शिकार था, फिर कुछ मशाक राइटर्स ने, जिनमें हाशिम नदीम भी शामिल है, अपने कलम के जरिए इस इंसानियत को दूर करने की कोशिश की। सैफी हसन की डायरेक्शन में बनने वाला हाशिम नदीम का नया ड्रामा सीरियल जोक सरकार इसी हफ्ते हम टीवी से नशर हुआ, जिसको हाशिम नदीम के फैंस की तरफ से पहली दो साल पर ही काफी पजीराई हासिल हुई। ड्रामा सीरियल जोक सरकार आज के ग्लैमरस ड्रामों की दौड़ में अपनी कहानी और प्लॉट के अतबार से कुछ मुख्तलिफ नजर आता है। आज के ग्लैमरस ड्रामों के मौजूद मियाँ बीवी के झगड़े, तलाक, दूसरी शादी, धोखा, मोहब्बत का हसूल और जादू वगैरह के मौजूद हैं। जोक सरकार में एक जालिम बटेरे पीटर को दिखाया गया है, जिसकी दो बीवियां हैं और अपनी ही तरह का एक ही जालिम और गंवार बेटा मीरल है। पीरल ने गांव के सब लोगों को सूद पर कर्ज देकर उन्हें जहनी और जिस्मानी गुलाम बना रखा है। किसी शख्स की जरूरत नहीं कि वो पीरल के खिलाफ एक लफ्ज भी कह सके। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।